हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक शेयर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन शेयर वो नज़र आ रहा है, ओके, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी उस शेयर में होने वाली है, ओके, क्योंकि जिस चीज़ से वो रिलेट करता है वो चीज़ वो बिजनेस आगे ग्रो ही करना है। तो उस वीडियो के बारे में मैंने आपको दो दिन पहले भी बताया था कि मैं इसके बारे में वीडियो आपको एक या दो दिन में बना दूंगा, तो आज हम उस वीडियो के बनाने जा रहे हैं। बट इससे पहले हम वीडियो पर आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके, ताकि और बेल आइकन को हिट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। तो एक बार मैं इसके रिटर्न की बात करना चाहता हूँ, तो रिटर्न आपके सामने, कंपनी को लिस्ट हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, एक साल ही हुआ है, इसलिए एक साल का ही डेटा यहाँ पर है। वन डे नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, बट वन वीक, वन मंथ, थ्री मंथ, सिक्स मंथ, ईयर टिल डेट, वन ईयर में आपको ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब वन ईयर की बात की जाए तो लगभग 219.80% के रिटर्न मिल रहे हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो, हमेशा लंबे टाइम के लिए ही अपने शेयर्स को रखो, तो आपको इस तरीके की रिटर्न्स आपको भी मिल सकते हैं, नो डाउट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो देखिए, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ओके। म्यूचुअल फंड की 8.98% की हिस्सेदारी है जो उन्होंने 0.05% से बढ़ा दी है। म्यूचुअल फंड फॉरेन इन्वेस्टर ने 0.05 से और म्यूचुअल फंड ने 0.17% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। फॉरेन इन्वेस्टर 7.59% की होल्डिंग रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी 0.03, अदर DIS 1.94, और इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो लगभग 13.08% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट की भी बात कर ले, एक बार हम सीधे एक बार शेयर पे आते हैं पहले, तो शेयर आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है। कंपनी का नाम जैसे कि आपको दिख ही गया है कि FL इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। करती क्या है ये तो इसके बारे में हम आएंगे, पर मैं आपको पहले शेयर चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो 2019 में ये कंपनी आई थी, 9 अगस्त को लिस्ट हुई थी। इसके अलावा जो इसके रिटर्न्स हैं आप देख सकते हैं, 214-219% के रिटर्न जो हमने दिखाए थे, ये रिटर्न्स, ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न्स देने वाली कंपनी है। FL इंडिया इस कंपनी का नाम है, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा कंपनी करती क्या है तो देख लीजिए, कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन, ओके, मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, तो इस शीट में ये कंपनी काम करती है। यूज़र एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड ट्रांजेक्शन मार्केटिंग, ओके, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पर काम करते हैं। तो एंड टू एंड प्लेटफॉर्म टू ग्रो मार्केटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो क्या है ये चीज़, मतलब आप मार्केटिंग में जो पैसा लगाते हैं, आप शेयर बाज़ार में भी अगर एक बार पैसा लगाते हैं तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक चार्ट आपको दिखाई देता है, डिफरेंट डिफरेंट आपको चार्ट दिखाई देते हैं, ओके, उस चीज़ में भी ये काम करती है। इन्हें से मार्केट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन कंज्यूमर एक्विजिशन एंगेजमेंट एंड ट्रांजेक्शन्स, ओके, इस सब चीज़ में काम करती है ये कंपनी, ओके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक कंपनी काम करती है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे कनेक्टेड डिवाइस तक ये पहुँच गई है। डेटा पॉइंट प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर, इसके अलावा ये कंपनी एड में काम करती है, मोबाइल से रिलेटेड कंपनी ये काम करती है, जैसे हाई एंगेजमेंट वीडियोस, रिच मीडिया एंड नेटिव एड एक्सपीरियंस, ओके। तो जो फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है, इस चीज़ में भी ये कंपनी काम करती है। टेक्नोलॉजी इनेबल बाय अ रिच पेटेंट पोर्टफोलियो, पेटेंट्स ग्रांटेड एंड रिफिल्ड इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेबल एडवर्टाइजिंग मैसेजिंग सर्च एंड एड फ्रॉड प्रोटेक्शन। तो एड्स जो आपकी आती है फोन में या फिर आपके वीडियोज़ में, तो उसके फ्रॉड डिटेक्शन में भी काम करती है, उस एड से रिलेटेड भी ये काम करती है। इन ऐप एड्स फॉर मैसेजिंग ऐप्स, ओके, मैसेजिंग ऐप्स जो ये ऐप बनाने में भी ये कंपनी काम करती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की मैंने ऑलरेडी बात आपने करी है। इसके अलावा एनेबल ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस, तो इसका सिंपल सा मतलब है ये कन्वर्ट करती है ऑनलाइन इंप्रेशन टू द ऑफलाइन सेल्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑफलाइन वो जाते नहीं है, तो ये उस चीज़ को कन्वर्ट करने में भी ये कंपनी अपना रोल प्ले करती है, ओके, ताकि लोग ऑफलाइन जाके भी, ऑफलाइन सेल में भी जाके पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा डेटा एंड ऑडियंस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू ग्रो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
जो कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ओके, डिफरेंट डिफरेंट आपको एप्लीकेशन आजकल दिख आते हैं ब्रोकर्स के, ओके, जहाँ पर आप डीमैट ओपन कराते हैं या कहीं भी, तो इस तरीके का चार्ट पैटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है इस चीज़ पे ही, क्या एप्लीकेशन इसका लेआउट बनाने में ये कंपनी मदद करती है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। ओके, तो इस कंपनी के बारे में आप भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंपनी पिछले 2 दिन से लोअर सर्किट मार रही थी, जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 दिन से ये कंपनी 5% 5% का लोअर सर्किट इसमें चल रहा है। ओके, और इससे पहले अपर सर्किट चल रहा था। तो अपर सर्किट क्यों चल रहा था उसकी न्यूज़ थी एक, ये 3 4 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि इन्होंने सिंगापुर गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। ओके, इट हैज़ वन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिंगापुर गवर्नमेंट टू बिल्ड आ क्या बनाने के लिए डिजिटल एंड क्लाउड बेस्ड कम्यूटर सर्वे प्लेटफॉर्म फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ओके, जो उनका लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ओके, गवर्नमेंट, ये सर ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का ही काम होगा। ओके, तो वो वहाँ पर डिजिटल एंड क्लाउड बेस्ड कम्यूटर बनाने के लिए कम्यूटर सर्वे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन्होंने ये एक डील साइन हुई है। ओके, और डील कितने की है तो बताना चाहता हूँ, $1 मिलियन की ये डील है। तो इस वजह से ये कंपनी में आपको 2 दिन अपर सर्किट दिखा था। ओके, और ये कंपनी इस तरीके से भागना शुरू हुई थी, बट लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और काफ़ी लोगों ने हाई लेवल पर, लगभग 3,000 के लेवल पर ये शेयर खरीदा है। तो जिन्होंने ये 3,000 पर अपना शेयर खरीदा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड ये कंपनी है। ओके, डेफिनेटली फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। और जो न्यू अपना यहाँ पर शेयर को खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बताना चाहता हूँ थोड़ा और वेट कर लीजिए, शायद ये कंपनी और नीचे आए तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये कंपनी डेफिनेटली आपको आने वाले 5 से 10 साल में किसी अलग ही लेवल पर दिखाई देगी। इसके अलावा आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, शेयर होल्डिंग पैटर्न की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ओके, और कोई भी इन्होंने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया और कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा 30 अगस्त 2019 को लास्ट ईयर ये 804 पे ट्रेड करता था, और 27 अगस्त, मतलब 300% तक के रिटर्न इसने, अगर आपने किसी ने इस लेवल पर खरीद के इस लेवल पर बेचा होगा तो 300% मतलब 3,000 का 27 अगस्त को यहाँ पर ये शेयर आया था। इसके अलावा डिलीवरीज की बात की जाए तो 53.50% की डिलीवरी है। तो आपको बताना चाहता हूँ ये एक मिड कैप कंपनी है। ओके, टेलीकॉम इक्विपमेंट से काम करती है और बिजनेस बता ही चुके हैं, और ज़्यादा इस जो इसका मार्केट कैपिटल है वो 6,773 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटल है, और इसका जो पीई रेशो है 108 है, जो 108.81% है, और इंडस्ट्री का 27.626% इसका 26 पीई रेशो है। और जून के क्वार्टर में इनके बड़े अच्छे रिजल्ट भी आए थे, इन्होंने जो सेल करी थी लगभग 90 करोड़ की करी थी और 19 करोड़ के उसमें लगभग लगभग प्रॉफिट भी था, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी ये आपको नज़र आती है। इसके अलावा बैलेंस शीट की एक बार लास्ट में बात कर लेते हैं, तो आपको देखिए रिजर्व्स देख लेते हैं, तो रिजर्व्स देखिए 1 साल ही कंपनी का हुआ है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 140 करोड़ रुपए के लगभग इनके पास रिजर्व्स है। इसके अलावा कंपनी के डेट की बात की जाए तो कोई भी डेट किसी भी तरीके का सिक्योर अनसिक्योर कोई भी डॉट डेट इनके पास है नहीं, किसी भी तरीके का कर्जा नहीं है, जो कि किसी भी कंपनी की अच्छी बात होती है, जो कि उस कंपनी को में विश्वास दिला देती है शेयर होल्डर्स को कि हाँ हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए तो 114.16 मतलब 114.16 करोड़ के इसके यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस भी आपको नज़र आता है, तो काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अच्छी कंपनी है। ओके, बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट है, रिटर्न्स इसने अच्छे दिए हैं, लोगों ने जम के इसमें खरीदारी डिलीवरी भी उठाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं 53.50। ओके, तो आप इस कंपनी की तरफ नज़र बना सकते हैं, और बेशक से इसमें लोअर सर्किट दिख रहा है 2 दिन से, बट आप ईयर तक इसका बिजनेस मॉडल देखिए कि किस कम चीज में काम करती है, एक यूनिक बिजनेस मॉडल है इनका। इसके अलावा रिटर्न्स देख लीजिए, ओके, एज वेल एज डिलीवरी देख लीजिए, लोगों का विश्वास देख लीजिए,
और कॉन्ट्रैक्ट भी धीरे धीरे इन्हें दूसरी कंट्री से मिल रहे हैं, एज वेल एज ये कंपनी लिस्ट जरूर 1 साल पहले हुई है, बट ये लगभग लगभग 10 से 15 साल इस कंपनी को, दो अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो 2006 में ये कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट होती हुई दिखाई दी थी। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह भी ले सकते हैं। एफएल इंडिया कंपनी का नाम है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। ओके, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इस तरीके से शेयर बाज़ार से रिलेटेड न्यूज़ एज वेल एज अच्छे अच्छे शेयर्स आपको मिलते रहे, ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस दोस्तों।